बात पता है गाड़ियों का टायर हमेशा काला रंग का ही क्यों होता है? दोस्तों आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे गाड़ियों को देखा होगा, वो भी अलग अलग रंगों की। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जितने भी गाड़ियां इस दुनिया में उन सब में एक चीज़ सामान्य होती है, वो है गाड़ियों का टायर का रंग। हाँ दोस्तों, आपने जितने भी गाड़ियों का देखा होगा उन सब में सभी गाड़ियों का टायरों का रंग काला ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाड़ियों का टायर हमेशा काले रंग का ही क्यों होता है और वो किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं होता? हाँ तो गाइज, हम आपको बता दें कि टायर को जब पहली बार 1888 ईस्वी में बनाया गया था तो आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय गाड़ियों का टायर का रंग सफ़ेद हुआ करता था, और वो इसलिए क्योंकि टायर सिर्फ रबर से बने होते हैं। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि रबर सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन ये जो सफ़ेद टायर था वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं था। मतलब ये कहें कि इसमें थोड़ी सी भी मजबूती नहीं था। अगर धूप के कारण सड़क गर्म होती थी तो टायर भी अधिक गर्म हो जाता था, और कभी कभी टायर तो पिघलने ही लगता था। उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने देखा कि जब रबर के साथ कार्बन ब्लैक नाम के एक मटेरियल को मिक्स किया जाता है तो उसमें उससे रबर के अंदर बहुत मजबूती आ जाती है, और जब उसी से टायर बनाना शुरू किया गया तो टायर की मजबूती लाखों गुना बढ़ गई थी, और टायर गर्म होने की समस्या तो जैसे गायब ही हो गई। और जब रबर को उस कार्बन ब्लैक से वैज्ञानिकों ने मिलाया था तो सफ़ेद रबर काले रंग में बदल गया, और तभी से आज तक टायर की इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो दोस्तों आप तो जान ही चुके होंगे कि गाड़ियों का टायर हमेशा काले रंग के होने के पीछे वजह क्या है। हाँ तो गाइज, वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।